और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अभी आफत कम नहीं होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि बारिश का अलर्ट निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती होगा, इसीलिए हमने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध किया है और कहा है कि जब तक खराब मौसम है तब तक अपनी यात्रा रोक दें, स्थिति को देखते हुए कभी भी मार्ग को रोका जा सकता है। बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है, और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएँ, तीर्थयात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कि सभी तीर्थयात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग थक जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चार धाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले, सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे, हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करेंगे, और संबंधित विभाग जो भी आज आपदा के समय में या यथा समय में एक दूसरे के साथ इस समय में परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे, जिससे कि लोगों को समय पर जो है सहायता प्रदान हो सके। केदारनाथ जी की जो यात्रा है वो यात्रा अत्यधिक कठिन है, वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति भी कठिन है, और ऐसे समय में जब लगातार बरसात हो रही है किसी समय भी वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, लोग परेशानी में न फंसे, इसलिए जो मौसम का मिजाज है या मौसम जिस प्रकार का है उसके कारण से हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, प्रशासन को भी निर्णय लेने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी लोगों से फिर बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए तब तक यात्रा करने से पहले अपनी मौसम की जानकारी जरूर ले लें।